नमस्कार, वंदे मातरम, सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आपके इस चैनल मौर्या गुरु एकेडमी पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं उनके बारे में। जी हाँ, जो 2020 में फर्स्ट ईयर आए हुए स्टूडेंट उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, छात्रवृत्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था और सवाल पर सवाल कर रहे थे, करना भी चाहिए, क्योंकि उनके मन में एक ही सवाल है कि आखिर सर छात्रवृत्ति कितने तारीख को रिलीज की जाएगी और कौन से महीने में की जाएगी। तो दोस्तों ये सारे सवाल के जवाब आपको मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। यार वीडियो को ना पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं ना तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी, थोड़ी सी नहीं समझ में आएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना ही मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आपने ना तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को भी क्लिक कर दीजिए, उससे क्या होगा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस इस वीडियो को ना शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात करते हैं, देर ना करते हैं यार, ज़्यादा देर हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा बात करते हैं फाइनल डेट की, तो कौन सी डेट में आप लोग जितने भी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट हैं उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर छात्रवृत्ति कौन सी डेट में रिलीज की जाएगी। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, आपका जो रिलीज डेट है ना वो 31 अक्टूबर को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो छात्रवृत्ति रिलीज डेट है 31 अक्टूबर को किया जाएगा। अब 31 अक्टूबर आपको बता दिया तो पता ही होगा कौन से महीने में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका प्रोसेसेस क्या होगा। सबसे बड़ी सवाल ये है कि सभी छात्र के मन में, स्टूडेंट के मन में सवाल ये उठ रहेंगे कि इसका प्रोसेसेस क्या होगा। प्रोसेसेस मतलब कि इसका क्या होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इसका प्रोसेसेस सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, सॉरी दोस्तों ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है ना। आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अब बात यहाँ आती है कि बहुत से छात्र हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो मैंने खुद अपने आँखों देखा हाल जानता हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि बहुत से छात्र हैं जो दुकान पर जाते हैं, जिसे हम नज़दीकी कैफ कहते हैं, कैफ कैफ मतलब दुकान, ठीक है। तो कैफ पे जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, 100 रुपये 50 रुपये देते हैं। तो दोस्तों ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आप खुद घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं बताऊँगा आपको कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर तरह की सोल्यूशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बस यार आपके इसके बदले में हम आपसे मांगते हैं क्या है, कुछ भी तो नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, रियल टू रियल इन्फॉर्मेशन आपको मौर्य गुरु एकेडमी पर मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रोसेसेस आपको जब जैसे ही रिलीज होगा 31 अक्टूबर को, आप लोगों का जो छात्रवृत्ति आप लोगों को ऑनलाइन कैसे करना है ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, अभी इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको फाइनल डेट के लिए बताया, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं, उसमें पूरा आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन के बारे में ही बताएंगे जितने भी छात्र हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की दोस्तों, तो जितने भी, अब देखिए बात यहाँ होता है, बात यहाँ फंसता है दोस्तों, बहुत से जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जब उनका रिजल्ट आता है, जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो फर्स्ट आते हैं उनके मन में एक ही सवाल उठता है। अब वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, कौन सी छात्रवृत्ति के लिए कौन सा फाइनल डेट। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आपको रियल टू रियल इन्फॉर्मेशन देता है उसकी वीडियो को आप ना लाइक करते हो, ना पूरा इन्फॉर्मेशन जानते हो, ठीक है, ना ढूंढने की कोशिश करते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल रियल टू रियल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर मिलेंगे। जी हाँ, अब वही बात करते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे, जैसे आप वीडियो देखते हो तो वीडियो में आपको बहुत तरह की बात बताई जाती है कि आपको छात्रवृत्ति इतने तारीख को रिलीज किया जाएगा, इतने महीने में होगा, ये यू फलान ढकान बता के आपका दिमाग भी पका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगा पूरी पक्की मिलेगी, आप चाहे तो पता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑफिशियल साइट पर जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा छात्रवृत्ति कितने तारीख को रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि छात्रवृत्ति आप लोगों को 31 अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाएगा जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। वही बात करते दोस्तों इंटर स्टूडेंट, जो इंटर फाइनल स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर वो भी आए हुए हैं, जो उनका फाइनल ही हो चुका है, आप बात करते हैं दोस्तों, उनके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि सर हमने, आपने तो हमारे बारे में बताया ही नहीं, सिर्फ 10th पास स्टूडेंट के बारे में बताया। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंटर फर्स्ट ईयर है, आपको बता दूं मैं कि दोस्तों आप लोगों का जो छात्रवृत्ति है वो भी 31 अक्टूबर को ही रिलीज किया जाएगा, ठीक है। साथ ही दोनों, आपको बता दूं मैं कि सिर्फ आप लोगों के जितने भी जो इंटर में फर्स्ट आए हुए स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, 387 अंक अगर आपके रहेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को, 387 अंक अगर आपके रहेंगे तभी आपको मिलेगा छात्रवृत्ति, ठीक है। ये बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से यह आप लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो जो इंटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आपका 387 अंक रहेगा तभी आपको मिलेगा छात्रवृत्ति, अन्यथा नहीं मिलेगा आपको। और बात करते हैं जो बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं उन लोगों को, दोस्तों अगर वो 60% ले आए हैं उससे ऊपर तो उनको मिलेगा, ठीक है। वो फर्स्ट ईयर अगर है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो उनको मिलेगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो,
387 अंक रहना जरूरी है, तभी आप लोगों को मिलेगा छात्रवृत्ति। या आप लोगों को मैं रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसीलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी आप कहीं भी तलाश लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे चैनल मौर्य गुरु अकेडमी पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना बिल्कुल सही। तो दोस्तों धन्यवाद, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा, और यार इस वीडियो को ना लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और एक बात और आपको मैं बता दूँ कि जितने भी स्टूडेंट छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा एक और भी चैनल है जिसका नेम है माई टारगेट बाई मौर्य सर के नेम से, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा मैं उस पर ले चलता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें यूट्यूब ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करिएगा माई टारगेट बाई मौर्य सर, देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, माई टारगेट बाई मौर्य सर। इस पर आप लोगों को जैसे ही आप लिखेंगे ना क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हमारी टीम जो लगी हुई है ना, आप लोगों को पूरी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, देख सकते हैं पूरा ए टू जेड। दोस्तों आप लोगों को पूरा प्रिपरेशन इस वीडियो में कराया जाएगा, पूरा ए टू जेड। इस पर ना रोज़ पर रोज़ वीडियो डालते रहते हैं, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है। आप लोगों को बता दूँ मैं कि इस पर आप जाएंगे ना, देख सकते हैं आप लोगों के लिए पूरे जितने भी टेंथ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, चाहे मैट्रिक के हो चाहे इंटर, चाहे नाइन्थ के, ठीक है, नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर इंटर में फर्स्ट ईयर के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये बता दूं मैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं इस पर आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो इस पर प्रोवाइड कराया जाता है। सो गाइज इस चैनल पर जाइए, आप देखिए वीडियो यार, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा। और उनसे ज्वाइन करने के लिए ना, माई टारगेट बाई मौर्य सर से ज्वाइन करने के लिए ना, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इन्फॉर्मेशन, आपको तुरंत रियल टू रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और दोस्तों इससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे ना, आपको कोई भी वीडियो जैसे ही डाला जाएगा तुरंत आप लोगों को मतलब मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिए, और जो भी आप लोगों को जैसे कि मान के चले क्वेश्चन कोई भी आपके मन में, तो सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, ठीक है। सो गाइज ये था आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, और यार जितने भी जो मैं छात्रवृत्ति के लिए आपको बताया हूँ ना, ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय वंदे मातरम।